ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली की रोहिणी सेक्टर 11 में स्थित ये भव्य बिल्डिंग और हरा भरा कैंपस किसी 5-स्टार होटल की तरह ही दिखता है, लेकिन ये कोई होटल नहीं है बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का नया कैंपस है। बिल्डिंग और कैंपस की खूबसूरती देखते ही बनती है। मौका था इस नव निर्मित कॉलेज परिसर के उद्घाटन का, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति, स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी समेत विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़े तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले शहीद सुखदेव की प्रतिमा का अनावरण किया गया और सभागार में मौजूद सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स और अतिथियों के बीच दीप प्रज्वलन कर औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी वरिष्ठ अतिथियों का सम्मान किया गया और सबने मंच से अपने अपने विचार भी रखे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर छात्रों और विश्वविद्यालय व कॉलेज से जुड़े अधिकारियों को संबोधित किया। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम सब फैसिलिटेटर हैं, हम सब सुविधा प्रदान करने वाले लोग हैं। एजुकेशन तो आप लोग, देश को आप लोगों के लिए, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शानदार आलीशान बिल्डिंग को बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इंजीनियरिंग चीफ, तमाम इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और जैसा महेंद्र गोयल जी ने कहा, वहां से लेकर सभी लेबरर्स तक को हमको धन्यवाद करना है, क्योंकि आपकी वजह से दिल्ली में एक ऐसी शानदार बिल्डिंग खड़ी हुई जिसे आज हम कॉलेज में कंप्लीट करें। क्योंकि आपका धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार बिल्डिंग बना के दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे अपील की कि इस भव्य कैंपस को नए जैसा रखने में सहयोग करें। यू क्रिएट चैलेंजेस टू योरसेल्फ by setting those standards that will uplift the spirit of this institution, of this university, and a large number of people who are not even connected to you. When you enjoy the facilities of this beautiful place, kindly remember that there are not many fortunate people in this country that have luxury of living in air-conditioned buildings. कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम वर्मा ने कॉलेज की विशेषताएं और इतिहास के बारे में बात करते हुए और ज्यादा कोर्सेज को शामिल करने और पहले से भी बेहतर नतीजे देने की बात कही। You will see in this building is a feeling of love for this college, love for the present as well as the future students and staff who are going to benefit greatly from the expertise and hard work of the people who have turned this project into reality. इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय कॉलेज के उद्घाटन पर अपना धन्यवाद प्रकट किया। 20 साल के बाद ये बिल्डिंग जो यहाँ पर आ रही है, तो शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज का नाम बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसे मुझे बोले। और अंग्रेजी के मुद्दे में जो नहीं लेकर कुछ चलते हैं पंचिलों पर, कुछ चलते हैं पंचिलों पर, कुछ पंचिल बनाते हैं और पंचिल बनाने वाले ही वगने हो जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेज में शुमार है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। 30 साल के लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन अब इस कॉलेज को नया कैंपस मिल गया है। ऐसे में इस कॉलेज में कोर्सेज और स्टूडेंट्स इनटेक की क्षमता भी बढ़ाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अपकमिंग सेशन से इस ऐतिहासिक कॉलेज में क्या क्या नए आयाम जुड़ते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर